नमस्ते, मेरा नाम क्रूविल पटेल। प्लास्टिक स्पून्स की जगह एक ऐसे अनोखे स्पून्स जो आप खा सकते हैं। अच्छा भाई, इन्होंने तो खाने के साथ साथ बर्तन खा जाने की मिसाल को काफी सीरियसली ले लिया है। वैसे तो मैं कॉलेज टाइम में था, उस टाइम क्या खा रहा था कैंटीन, मुझे खाने का बहुत पैसे, फूडी था और इंजीनियर तो हर चीज ट्राई करता, तो खाते वक्त जल्दी में खा रहा था, कॉलेज का टाइम हो गया क्लास का, तो उस टाइम मुझे कट लग गया लिप्स के पास, प्लास्टिक स्पून की कट। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अरे ये बहुत हार्मफुल चीज है, किसी छोटे बच्चे को लग गया, कुछ हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि अरे एक ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी को डैमेज भी कर रहे हैं, प्लस आसपास एनवायरमेंट को भी गंदा कर रहे हैं, तो फिर सोचा कि अरे कुछ ऐसा हो जाए कि सबका एक सॉल्यूशन। 100% natural with no added flavors and preservatives. 6 months of expiry date from the date of manufacturing. Swadesht edible spoons. Wow. अब नए shapes, sizes और colors में भी। अनोखी बात तो ये है कि ये सिर्फ एक या दो फ्लेवर में नहीं बल्कि पूरे 8 फ्लेवर्स में आते हैं। जुगाड़ है तो क्या खाने के शौकीन भी हैं, तो स्वाद पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब आप स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटे या नहीं, चम्मच जरूर चट कर जाएंगे। एक्चुअली उसको ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें उसके स्किन में से अपने आप ही ब्लीडिंग होता है, और उसको अगर कट भी लग जाए तो वो कट हील नहीं होती, इवन उसको स्प्रेड होता है, तो वो बहुत ही रेयर डिजीज है और उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जॉइंट्स पेन करते थे मुझे और मेरी स्किन इन्वॉल्व थी उसके अंदर, तो क्या ब्लीडिंग हो जाता वहां से, तो मैं मतलब कहीं पे भी जाओ तो फेस पे स्वेलिंग आ जाती थी, चल नहीं पाता था, कुछ वेट भी नहीं उठा पाता। 99% पेशेंट की घर पे ही रहते हैं और डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं, बट उसको ऐसा नहीं करना था, उसको पता था कि लाइफ टाइम ये डिजीज उसके पास रहने वाला है, तो क्यों ना भी ये तो रहेगा ही रहेगा, बट मैं कुछ करूँ, तो आगे बढ़ना चाहता था, तो उसने किया आगे। ये सब छोड़ो, होता रहेगा, बॉडी है, तुम फोकस करो सिर्फ प्रोडक्ट और अब कुछ नया करने की, जिससे ह्यूमन को फायदा हो, नेचर को फायदा हो, एनिमल्स को भी, सबको फायदा, और जिसमें सिर्फ मेरा मेहनत ही हो, माइंड और जो मैं दे सकता था, क्योंकि उससे मेरा उतना फंड नहीं था, तो पूरा एफर्ट लगा दिया प्रॉब्लम को साइड पर और ओनली फोकस ये एक चीज बना दी। मैंने मार्केटिंग के लिए कुछ भी नहीं किया, और पता नहीं शिव की कृपा हो या लोगों का सपोर्ट की इतनी इंक्वायरी आने लगी, ऐसे ऐसे कंट्री से इंक्वायरी आती, मुझे देखना पड़ता है कि कंट्री है कहाँ पर एक्चुअली ऐसी। अभी हम 32 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मेजर ही कर रहे हैं यूएसए, जर्मनी, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.